उस गदारल बख्श को पुलिस स्टेशन में उड़ा देना चाहिए था भाई सुल्तान। उसे पुलिस स्टेशन में मारने से क्या होता पता है? लाला कानून का मुजरिम बन जाता, और हम कानून के साथ खेलते हैं बख्तावर, कानून को हाथ में नहीं लेते भाईजान। यानी वो हरामखोर जिंदा रहेगा और एक दिन हमारे लिए नासूर बन जाएगा। लाला जिसे पालना जानता है उसे मिटाना भी जानता है। आज रात अलबख्श सोएगा मौत की गहरी नींद। मैंने बंदोबस्त कर दिया उसका। लाला का इकबाल बुलंद हो। अली खान, उस हराम खोर को खत्म कर दिया ना? लाला, आपके कहे मुताबिक हमने अलबख्श को मारने की तैयारी कर ली थी। इससे पहले कि हम कोई एक्शन करते, वो हवालात की सलाखें तोड़कर फरार हो गया। तो अलबख्श पुलिस की गिरफ्त से निकल गया। वो फरार हो गया। हाँ, अब मुझे तेरी भी कोई जरूरत नहीं है। वो इसकी लाश को उठाकर पुलिस थाने में डाल दो, और हवलदार नजीब से कहो रिपोर्ट में लिखे कि अलबख्श इसे मारकर फरार हो गया। जो गुलमस्तान को सरहद पार से उठा लाया वो यकीनन हमारे लिए भी मुसीबत बन सकता है, लेकिन उसे लाला की ताकत का अंदाजा नहीं। फाड़ के रख दूंगा साले को। मुझे आजाद कश्मीर का वजीर आजम बनना है, वो तो मैं बन के रहूंगा। तुम लोग पूरी वादियों में मौत का साया बन जाओ, और वो नमक हराम अलबख्श कहीं भी छुपाओ, उसे अपनी गिरफ्त में ले लो। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्तजनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। सत्या,
मुझे माफ कर दो शिवा भैया, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं गुनहगार हूँ आपका, आपके भाई का, आपके सारे परिवार का। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तुझे तेरी भूल का एहसास है, यही तेरा प्रायश्चित है अलबख्श। नहीं शिवा भैया, मेरे गुनाह इतनी आसानी से नहीं मिटेंगे। मैंने इन हाथों को सत्य पर उठाया था, पर आज के बाद ये हाथ उन लोगों पर उठेंगे जिन लोगों के साथ मैं गलत राह पर चल पड़ा था। पता नहीं इस जंग में मेरी हार होगी या जीत। अगर मारा गया तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखना, अगर जिंदा लौटा तो हम मिलकर खुशियां बांटेंगे। आज मैं आप लोगों के पास बस इतनी दुआएं लेने आया था। मुझे आशीर्वाद दीजिए भैया, आशीर्वाद दीजिए। विजयी हो, हम सब की दुआएं तेरे साथ हैं। अम्मी, अबू, कल तक मैं अनजाने में गुनाह करता रहा और यहां आकर चादर चढ़ाता रहा, मुझे माफ कर दीजिएगा। पर आज के बाद मैं उन गद्दारों को खत्म करने की कसम खाता हूँ और वादा करता हूँ उन्हें निस्तो नाबूद करने के बाद ही यहाँ चादर चढ़ाने आऊंगा। मेरे रास्ते से। मैं तो अपने ही रास्ते पर हूं नवाब, अलबत्ता तू अपना रास्ता पीछे छोड़ाया पाकिस्तान में, और हिंदुस्तान से गद्दारी करने वालों का रास्ता सीधे कब्रिस्तान जाता है। लाला का भाई है। लाला, इस सर जमीन से मैंने आज एक गुनहगार का बोझ कम कर दिया। इस जंग की शुरुआत हो चुकी है, अंजाम का इंतजार करना। अल्बाक! अल्बाक!
चिल्ला लाला चिल्ला, तेरे हर भाई की मौत की चीख इन वादियों में गूंजेगी और तू एक एक की कब्र पर सर पटक पटक के रोएगा। मेरा वादा है एक दिन तुझे भी इन वादियों में मैं दफना दूंगा, पर तेरी कब्र पर रोने वाला कोई भी नहीं होगा। कितना खूबसूरत है हमारा कश्मीर, है ना मेजर? किसी ने ठीक ही कहा है कि ये धरती पर जन्नत है। लेकिन इस जन्नत को किसी की नजर लग गई। देखना, ये एक दिन फिर से जन्नत बनेगा। जरूर सोनिया, हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो ने जिस टेररिस्ट का स्केच तैयार किया है उसकी तुम जोनाबाद में इंक्वायरी करना और मैं आसपास के गांव में करूंगा। हम दोनों वायरलेस पे एक दूसरे के टच में रहेंगे, ओके? सगाई के बाद लोग प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं और हम टेररिस्ट के बारे में बातें करेंगे। लो, बर्फ शुरू हो गई।